चलो फिजिक्स एंड साइंस क्लासेस पर यार मुद्दे पर सभी का स्वागत है। 30 क्वेश्चन ऑलरेडी डन। क्वेश्चन नंबर 31 क्वेश्चन इज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज योर करेक्ट। फर्स्ट ऑप्शन फायरवुड कैन बी कन्वर्टेड इनटू इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड बाय यस ना डेफिनेटली हमारा करेक्ट है। फर्मेंटेशन टेक्स प्लेस इन एनारोबिक बैक्टीरिया ना ऐसा पॉसिबल नहीं है। फर्मेंटेशन टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया पॉसिबल नहीं है। फर्मेंटेशन इज अ फॉर्म ऑफ एनारोबिक डाइऑक्साइड डेफिनेटली करेक्ट। फर्स्ट एंड फोर्थ इज करेक्ट। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन द डॉक्टर मेजर रवि ब्लड प्रेशर इज सेड टू बी नॉर्मल। Now the range of the Ravi blood pressure systolic is like it should be 120 divided by 80 mm of Hg already notes में भी लिखा हुआ है बट इसमें जो ऑप्शन है वो बेटा गलत है। ओके नेक्स्ट देखना द स्ट्रक्चर एक्स इन द डायग्राम गिवन बिलो इज ब्लॉक देन विच ऑफ द प्रोसेस विल नॉट अकर। डेफिनेटली हमारा सबसे पहले तो रेस्पिरेशन ही होगा ट्रांसपिरेशन ही होगा और ट्रांसपोर्टेशन भी नहीं होगा। ओके नेक्स्ट देखना ऑप्शन सी इज करेक्ट। तेरा ध्यान दो उसने कहा रीजन और रिसेप्शन पे ध्यान दो बेटा। ट्रांसपिरेशन कूल लीव सरफेस डेफिनेटली ऑलरेडी डिस्कशन किया डेफिनेटली हमारा ट्रू है। ट्रांसपिरेशन हेल्प इन द ट्रांसलोकेशन ऑफ शुगर इन प्लांट ना ना रे ऐसा कुछ नहीं है ठीक है आर इज फॉल्स है। ओके अगला देखना 35 क्वेश्चन द लीव्स विच आर पार्टली ग्रीन एंड पार्टली वाइट आर कॉल्ड वेरीगेटेड लीव्स। डेफिनेटली जरा देखना करेक्ट है। द ग्रीन ऑफ सच अ लीव कंटेन क्लोरोफिल बट द व्हाइट पार्ट डज नॉट कंटेन। डेफिनेटली करेक्ट आर ए एंड आर हमारा क्या करेक्ट है और आर इज हमारा क्या करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना ह्यूमन बींग हैव अ कॉम्प्लेक्स रेस्पिरेटरी सिस्टम। डेफिनेटली करेक्ट है। ह्यूमन स्किन इज इम्परवियल टू गैसेस। डेफिनेटली करेक्ट है। दोनों करेक्ट होंगे लेकिन ये जो हमारा रीजन है वो हमारा करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन नहीं है। वो लिखा हुआ है ए एंड आर इज द करेक्ट बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। ओके नेक्स्ट देखना ऑटोट्रॉप कैन प्रोड्यूस फूड ऑन इट्स ओन। डेफिनेटली करेक्ट है। तो ग्रीन प्लांट कैन एब्जॉर्ब एनर्जी ऑफ सनलाइट दैट फॉल्स ऑन द लीव। जो इसमें ऑप्शन दे रहा है और इस फॉल्स एक्चुअल में ये हमारा पता है बेटा करेक्ट है समझ रहे हो लेकिन इसका ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है समझ रहे हो बात को ये करेक्ट होगा इसको करेक्ट कर लेना समझ रहे हो क्योंकि देखो ये लिखा हुआ है कि ग्रीन प्लांट इज द टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम कैप्चर अबाउट 1% ऑफ एनर्जी सनलाइट दैट फॉल देयर लीव कन्वर्ट इनटू फूड एनर्जी। ये हमारा करेक्ट है बट मतलब कि कह सकते हैं मतलब कि जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन नहीं है। ओके तो करेक्ट दोनों है। ओके 38 क्वेश्चन हाइड्रोक्लोरिक एसिड सीक्रेट इन द स्टमक मेक्स एन एसिडिक मीडियम फॉर एक्शन ऑफ द एंजाइम पेप्सिन। डेफिनेटली करेक्ट होगा यार वाइल ये बाइट नहीं है बाइल जूस है क्या है। वाइल जूस फ्रॉम बिल मेक्स मीडियम एल्कलाइन इन द स्मॉल इंटेस्टिन फॉर द पेनक्रेटिक जूस टू एक्ट। डेफिनेटली हमारा क्या होगा दोनों ट्रू है और आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द पोर्स ऑफ फंक्शन ऑफ द गार्ड सेल। डेफिनेटली हमारा ये भी करेक्ट है। स्टोमेटल पोर्स आर द साइट फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेड बाई डिफ्यूजन। तो देखना दोनों ए और आर ट्रू है पर आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। ओके 39 क्वेश्चन नंबर 40 है ये हमारा क्या पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है तो ये हमारा क्वेश्चन सीबीएसई में आया हुआ है। अच्छा क्वेश्चन है वगैरह एंड एडवाइस नीडेड है 380 350 350 280 250 215। जरा ध्यान दो इसमें दिया हुआ गुड 180 150 एक्सीलेंस 115 80 और 50 जरा टेबल भी देखो। ओके हो गया क्वेश्चन नंबर ये देखना बेटा रेफर टू टेबल बी शोइंग द ब्लड रिपोर्ट ऑफ द लेवल ऑफ ग्लूकोज ऑफ पेशेंट एक्स एंड वाई इनफर द डिसीज विच कैन बी डायग्नोज फ्रॉम दर गिवन डेटा। डेफिनेटली डायबिटीज देख लो आंसर लिखा होगा डायबिटीज। ओके डायबिटीज का डेटा है। ओके आइडेंटिफाई द हार्मोन हुज लेवल इन द ब्लड इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द एवम डिसीज। डेफिनेटली हमारा क्या होगा इंसुलिन। ओके वगैरह विच ऑफ द फॉलोइंग डाइट वुड यू रिकमेंडेड टू द अफेक्टेड पेशेंट। तो लो शुगर हाई फाइबर डाइट क्या होता है लो शुगर हाई फाइबर डाइट ये नॉर्मल सराउंडिंग क्वेश्चन है यार समझ रहे हो। बोलते रिफर ऑफ द टेबल इज सजेस्ट द वैल्यू ऑफ मीन मतलब मीन ब्लड ग्लूकोज लेवल बियॉन्ड द डॉक्टर एडवाइज नेसेसरी। तो हमारा देखो इसमें लिखा हुआ है 180 गुड के लिए क्या लिखा हुआ है तो 180 mg पर डी है। ओके तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है जो 41 है तो यहाँ से अपन तुम्हें नेक्स्ट क्लास में करवाएंगे ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग लाइक शेयर करें खुद देखे पड़ोसी को देखें।